हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल्स एक्सप्लोरर। स्किल्स एक्सप्लोरर में आपका फिर से स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर नेटवर्क वायरसेस। IBPS IT ऑफिसर में एक या दो क्वेश्चन वायरस के पूछे जाते हैं, तो हमने इस वीडियो में हर तरह के वायरस को कवर करने की कोशिश की है, सो डैट आने वाले एग्जाम में आप एक या दो क्वेश्चन जो वायरस टॉपिक के ऊपर बनते हैं आप कवर कर सके। सो एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट हम एक टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट की बहुत डिमांड्स आ रही हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी वीडियो बनाएं, नेटवर्किंग के ऊपर भी बनाएं और वेयर हाउसिंग के ऊपर भी। एंड आने वाले दिनों में हम विद इन 2 डेज एक न्यू वीडियो अपलोड किया करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट के कुछ डाउट्स भी हैं, तो आप अपने डाउट्स यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर है कि आप हमारा फेसबुक पे स्किल्स एक्सप्लोरर का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक के ऊपर स्किल्स एक्सप्लोरर का ग्रुप है, तो अगर आप स्किल्स एक्सप्लोरर का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन भी अपलोड कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, सो डैट विल बी बेटर। अगर हम न्यू वीडियो डालते हैं तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर नेटवर्क वायरस। देखिए, नेटवर्क क्या होता है, हमने पहले वीडियो कवर किया कि नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उनमें डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होता है तो काफी टाइप के वायरस भी क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं और हमारे सिस्टम को हार्मफुल करते हैं। सो हम हर टाइप के वायरस को डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर भी कर सकते हैं, www.skillsexplorer.in। इस वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी हमारा फोकस वीडियो के ऊपर था, तो अब हम न्यू टेस्ट भी अपलोड करेंगे और क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, वीडियो के और ऑनलाइन टेस्ट के डिफरेंट होंगे। तो प्लीज रजिस्टर कीजिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर www.skillsexplorer.in। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क वायरस में, ए नेटवर्क वायरस हैज द अबिलिटी क्विकली डीग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क, टोटली डिसेबलिंग क्रिटिकल डिवाइसेस, प्रोग्राम एंड नेटवर्क कनेक्शन। देखिए, नेटवर्क वायरस क्या है, जब हमें पता है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट के क्या है, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये देखिए कितने सारे नेटवर्क है, एक नेटवर्क का कनेक्शन दूसरे नेटवर्क के से आता है, दूसरे का तीसरे के साथ। जब ये वायरस एक नेटवर्क में एंटर करता है तो जो नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टेड होगा तो वायरस क्या होगा, रेप्लिकेट होके ट्रांसफर नेक्स्ट नेटवर्क में ट्रांसफर कर देगा, सेकंड नेटवर्क से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। तो वायरस क्या है, डुप्लीकेट कॉपी उसकी हर एक नेटवर्क में ट्रांसफर होती रहती है। तो नेटवर्क वायरस बहुत ही डेंजरस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्क वायरस हैज अ अबिलिटी क्विकली डीग्रेड द परफॉर्मेंस, और जैसे ही वायरस नेटवर्क में एंटर करेगा और उस नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर होंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके सिस्टम में कई बार वायरस बहुत ज्यादा आ जाता है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। आप किसी फोल्डर को ओपन करते हो तो काफी टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि आपके सिस्टम में क्या आ चुका होता है, वायरस। तो वायरस आपकी फाइल को डैमेज भी करता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन भी करता है। अब मालवेयर क्या है, मालवेयर भी एक क्या है, वायरस है। देखिए, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, कहते मालवेयर इज ए स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेट आर डिजाइंड फॉर पर्पस ऑफ द डैमेज ऑफ ए सिस्टम। कहते मालवेयर एक प्रोग्राम है जो के प्रोग्रामर बनाते हैं और इसे सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। देखिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं हमारा काम इजी करने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने किसी फाइल को डैमेज करना है उसके लिए भी वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो मालवेयर क्या है, इज ए स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम,
वो स्पेशल पर्पस के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उनका इंटेंट हैकिंग का हो या किसी दूसरे यूजर की फाइल को करप्ट करने का हो, डैमेज करने का हो, तो हम मालवेयर कह सकते हैं कि एक स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम भी है या एक सॉफ्टवेयर है, उसका पर्पस क्या है, डैमेज सिस्टम, कि किसी यूजर के फाइल को डैमेज करना, उसके डेटा को डैमेज करना। इट इंक्लूड अनऑथोराइज एक्सेस। देखिए हैकर्स का काम क्या होता है, अनऑथोराइज एक्सेस होता है कि दूसरे सिस्टम के लॉगिन किया जाए, उनके डेटा स्टील किया जाए, तो ये इन प्रोग्राम के थ्रू वो क्या करते हैं, उन्हें हैक करते हैं। तो मालवेयर क्या है, स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेटा डिजाइन फॉर पर्पस ऑफ द डैमेज सिस्टम। इट इंक्लूड अनऑथोराइज एक्सेस। अनऑथोराइज एक्सेस मीन जो राइट पर्सन नहीं होता। अब देखिए मालवेयर हमने स्टडी तो कर दिया कि स्पेशल डिजाइन एक प्रोग्राम है, बट मालवेयर के टाइप्स कितने हैं, ये देखिए मालवेयर टू टाइप्स का होता है। पहले तो नीड होस्ट प्रोग्राम, उसे कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, प्रोग्राम चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी मालवेयर इफेक्ट अपना डालेगा। बट सेकंड उसकी टाइप होती है इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी नेटवर्क में ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर उसे किसी प्रोग्राम की जरूरत है कि अगर वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो ही वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे किसी एप्लीकेशन में वायरस आ गया, सपोज मैंने एमएस वर्ड की फाइल को ओपन किया, तभी वो वायरस क्रिएट होगा या उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट होगी। तो उस टाइप को क्या है, नीड ए होस्ट प्रोग्राम, उसे किसी प्रोग्राम की जरूरत है, अगर उसे क्लिक करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा। और अगर उस टाइप की हम कंसीडर करें तो होस्ट प्रोग्राम के अंदर कौन से वायरस आते हैं, ट्रोजन, लॉजिक बम, ट्रैपडोर वायरस। तो ये किसके आ रहे हैं, होस्ट प्रोग्राम के, ये पहले तीन आते हैं, ट्रोजन, लॉजिक बम एंड ट्रैपडोर। जो वायरस है वायरस इंडिपेंडेंट है। जो सेकंड टाइप है मालवेयर की इंडिपेंडेंट, वॉर्म एंड ज़ॉम्बी, तो और वायरस, ये तीन टाइप के हैं वायरस जो कि इंडिपेंडेंट है, और जो पहले तीन है इसे होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेप्लीकेट। रेप्लीकेट का मीनिंग होता है कि अपनी एक कॉपी जनरेट करते रहते हैं। जैसे एक वायरस जनरेट हुआ, उसने अपनी एक और कॉपी जनरेट की, दूसरी फाइल में चला गया, फिर उसकी एक और कॉपी जनरेट हुई, तीसरी फाइल में चला गया। तो रेप्लीकेशन का मीनिंग है डुप्लीकेशन, कि अपनी एक और कॉपी जनरेट करता रहता है। तो वायरस हो गया वो भी कहता है, वॉर्म हो गया और ज़ॉम्बी, ये तीन टाइप के ऐसे वायरस है जो अपनी रेप्लीकेट होते रहते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, वायरस की टाइप्स हैं जो कि मालवेयर के अंडर आती हैं। मूव टू नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ वायरस वन बाय वन। देखिए हमारी फर्स्ट टाइप क्या थी, हमारी फर्स्ट टाइप थी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही डेंजरस वायरस होता है। देखिए वायरस ऐसे नहीं होता कि हमें दिखाई देते हैं कंप्यूटर में, नो हमें दिखाई नहीं देते, हम एंटीवायरस के थ्रू डिटेक्ट तो कर लेते हैं, इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जब वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है तो हमारी फाइल को डैमेज कर सकता है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब ये ट्रोजन कौन सा है वायरस, देखिए ट्रोजन को ट्रोजन हॉर्स भी बोल देते हैं। ट्रोजन हॉर्स ऑफन जस्ट कॉल्ड ट्रोजन आर प्रोग्राम डैट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और एग्जीक्यूटेड बाय यूजर टू ए इफेक्टिव। देखिए ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है, जैसे कोई यूजर, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन वो प्रोग्राम उस सॉफ्टवेयर में छुपा होता है, जैसे ही हम उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने लगते हैं वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, इसे प्रोग्राम डेट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, क्योंकि जब जैसे ही हम उसे इंस्टॉल करेंगे किसी सॉफ्टवेयर को, उसके साथ वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, हमें तो लगता है कि हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन साथ में ट्रोजन आ जाता है, वो भी साथ में डाउनलोड हो जाता है, हम क्लिक करते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है, तो हमें नहीं पता लगता कि ये वायरस है, तो लेकिन हमें तो लगता है कि नॉर्मल फाइल है। तो ट्रोजन इस टाइप का एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में जब इंस्टॉल होगा तभी अपना इफेक्ट डालेगा, तो डेट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। तो ट्रोजन जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारे सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये पहले क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। बट When these code are invoked, जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं और ये क्रिएट होते हैं, इट परफॉर्म अनवांटेड एंड हार्मफुल फंक्शन। ये बहुत ही डेंजरस होता है हमारे सिस्टम में, काफी फाइल को ये डिलीट कर देता है,
एंड अपनी कॉपीज जनरेट करता है टू गेन एक्सेस टू द फाइल ऑफ अनदर यूजर और शेयर सिस्टम. अगर हमारा सिस्टम शेयर्ड है तो हमारे ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि शेयर सिस्टम में ये अगर एक भी फाइल इसे डिलीट कर दी तो काफी नुकसानदायक होता है, जो कि बैंकिंग सिस्टम में, हॉस्पिटल सिस्टम में, जहाँ पे डेटा बहुत ही क्रूशियल होता है, वहां पे इस टाइप का डेटा को डैमेज कर सकता है. सो ट्रोजन इज वेरी वेरी हार्मफुल वायरस. तो याद रखिएगा ट्रोजन के बारे में कि ये इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर में तभी ये अपना इफेक्ट डालेगा, विदाउट इंस्टॉलेशन ये नहीं इफेक्ट डाल सकता. नेक्स्ट ट्रैप डोर्स. देखिए ट्रैप डोर किसे कहते हैं, देखिए ट्रैप डोर ऑल्सो रेफर्ड एज बैक डोर्स. देखिए ट्रैप डोर को हम क्या बोलते हैं, बैक डोर्स. अब देखिए हमारे घर का फ्रंट डोर से ही कोई अंदर आ सकता है, लेकिन बैक डोर से तो वही आएगा जो छुप के आएगा. तो ट्रैप डोर क्या है, एक टाइप का बैक डोर है जो कि हिडन होता है. इसके नाम से ही पता लग रहा है बैक डोर के कोई ना कोई इनडायरेक्ट वे में आ रहा है, छिपके आ रहा है. तो आर बिट्स ऑफ कोड एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम बाय प्रोग्रामर. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बैक डोर आर बिट्स ऑफ कोड, एक कोड होता है एम्बेडेड होता है जो छुपा होता है. जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में ही होता है. तो दैट कोड एम्बेडेड इन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में छुपा होता है बाय प्रोग्रामर टू क्विकली गेन एक्सेस एट ए लेटर टाइम. देखिए जो प्रोग्रामर होते हैं वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं जिसमें ट्रैप डोर की भी इंस्टॉल कर देते हैं, उसकी कोडिंग साथ में फिट कर देते हैं कि जब भी यूजर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तो ट्रैप डोर ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे. लेकिन अगर ट्रैप डोर बहुत बहुत ही डेंजरस है, ए पोटेंशियली सिक्योरिटी होल इंटरव्यू हैकर ओपन. देखिए जो हैकर होते हैं वो ट्रैप डोर का यूज करते हैं. वो क्या करते हैं कि यूजर डाउनलोड करेगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा और ट्रैप डोर या बैकडोर उनके उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. देखिए बैकडोर ऑन द प्रीवियसली कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू गेन लेटर एक्सेस. अब ट्रैपडोर होते क्या है, ट्रैपडोर कैन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव. एक बार ट्रैप डोर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, हमें नहीं पता लगेगा कि वायरस हमारे सिस्टम में है या नहीं, लेकिन अगर एक बार इंस्टॉल हो गई इसे रिमूव करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है. इसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो, अगर आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करोगे. सो ऑफन रीफॉर्मेटिंग द सिस्टम इज द ओनली श्योर वे. तो ट्रैप डोर एक हिडन टाइप का वायरस है जो कि हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है और हमारी फाइल को डैमेज करना शुरू कर देता है. और सेकेंड थिंग, हैकर इसे यूज करते हैं सो डैट वो किसी भी यूजर की अनऑथोराइज एक्सेस कर सके, किसी की फाइल को यूज कर सके. तो ट्रैप डोर ज्यादातर हैकर्स के थ्रू यूज किया जाता है. मूव टू नेक्स्ट वायरस. नेक्स्ट वायरस इज लॉजिक बम. देखिए नाम से ही पता लग रहा है लॉजिक. लॉजिक मीन्स कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, जब वो कंडीशन मीट करेगी तो वो वायरस फायर होएगा, यो एग्जीक्यूट होगा. तो लॉजिक बम क्या है, पीस ऑफ कोड डेट एग्जीक्यूट इटसेल्फ व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशन आर मेट. देखिए प्री डिफाइंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो वायरस एक्टिवेट होगा, या कितने दिनों के बाद एक्टिवेट होगा, या जब किसी फाइल को हम ओपन करेंगे तब होगा. तो प्री डिफाइंड का कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन जब मीट करेगी. तो लॉजिक बम क्या है, पीस ऑफ कोड डेट एग्जीक्यूट इटसेल्फ, वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशन आर मेट. तो लॉजिक बम डेट एग्जीक्यूट ऑन सर्टन डेज आर नोन एज टाइम बम. इसे टाइम बम भी कह सकते हैं, जैसे ट्यूजडे को ही वायरस ये क्रिएट होता है लॉजिक बम, या किसी पर्टिकुलर डे को, तो वो कोई ना कोई कंडीशन पे एग्जीक्यूट होते हैं. कोड परफॉर्म सम पेलोड नॉट एक्सपेक्टेड बाय यूजर. तो यूजर को नहीं पता होता कि उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ये परफॉर्म होते हैं और कुछ ना कुछ हमारी फाइल को डैमेज करते हैं. तो शेयरवेयर डेट डीएक्टिवेट इटसेल्फ आर नॉट लॉजिक बॉम्ब्स. नेक्स्ट वायरस. देखिए वायरस हम सभी सुनते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, लेकिन वायरस होता क्या है, एंड ये इंडिपेंडेंट होता है. हमने डायग्राम में पढ़ा था ना कि वायरस किसके अंडर आ रहा था, वायरस आ रहा था इंडिपेंडेंट. ये देखिए वायरस के नीचे अंडरलाइंड है और ये अपने आप को रेप्लीकेट करता है, अपनी एक कॉपी बनाता है. जैसे एक वायरस है उसकी एक कॉपी जनरेट होगी, रेप्लीकेट होगा, कॉपी से एक अनदर कॉपी होगी, तो एक से बात दूसरी कॉपी, दूसरी के बाद तीसरी कॉपी इस वायरस की जनरेट होती रहती है.
तो वायरस क्या है, इंडिपेंडेंट है और ये अपने आप को रेप्लीकेट करता है। सो वायरस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू ए एग्जीक्यूटेबल कोड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दैट इज इंसर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल्स होती है exe फाइल, ये उनके साथ इम्बेड हो जाता है कि जैसे ही वो हम इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर वायरस का क्वेश्चन आ जाए, ये हमारी एग्जीक्यूटेबल कोड के साथ क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज वॉर्म। देखिए वॉर्म एंड ज़ॉम्बी दो टाइप के ऐसे वायरस हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये कैसे भी आ सकते हैं। जैसे ईमेल के थ्रू आ गए, हमने ईमेल ओपन की, डाउनलोड की, आ गया वॉर्म, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वॉर्म प्रोग्राम यूज नेटवर्क कनेक्शन टू स्प्रेड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। देखिए वॉर्म हमारे नेटवर्क में अगर आ जाता है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ए नेटवर्क वॉर्म कैन बिहेव लाइक ए कंप्यूटर वायरस और इट कुड इम्प्लांट ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम टू परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव एक्शन। वॉर्म का पर्पस क्या है, हमारी फाइल को डिस्ट्रक्शन करना, उन्हें करप्ट करना। एग्जाम्पल, a worm log onto remote system, a user uses command to copy itself when one system to another system। देखिए जब हम लॉगिन करते हैं रिमोट सिस्टम से तो क्या होता है, उनकी कमांड्स को कॉपी करना शुरू कर देता है, सभी जितने भी उस नेटवर्क में कंप्यूटर है उसे ऑन करना शुरू कर देगा, उन्हें शट डाउन करना शुरू कर देगा, क्योंकि अपनी एक कॉपी क्या करना जनरेट करता रहता है। तो worm एक इंडिपेंडेंट वायरस है जो अपनी एक रेप्लीकेट अपने आप को करता रहता है और एक एक नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करता रहता है। नेक्स्ट इज ज़ॉम्बी। देखिए ज़ॉम्बी का एक और नाम भी है फोक बॉम्ब, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, चाहे ज़ॉम्बी लिखा हो चाहे फोक बॉम्ब हो, उनका नेम पर्पस सेम ही होता है। देखिए फोक बम या ज़ॉम्बी इज ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मीनिंग होता है अगेन एंड अगेन परफॉर्म होते रहना। द फोक बम्ब वर्क्ड बाय क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस। देखिए वर्क कैसे करता है, जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है विच बिगन्स अनदर प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस क्रिएट होगी ये दूसरी प्रोसेस को क्रिएट कर देगी, दूसरी तीसरी को, मीन्स अपने आप को रेप्लीकेट करती रहती है, एक प्रोसेस दूसरी को जनरेट करेगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। तो विच बिगन्स अनदर प्रोसेस एंड कंटिन्यू टू क्रिएट न्यू प्रोसेस, तो प्रोसेस के ऊपर प्रोसेस क्या होती है, क्रिएट होती रहती है जब ये परफॉर्म ज़ॉम्बी वायरस आ जाता है। Each new process start a new process and the bomb then utilize all available resources until there is no resource left। मान लीजिए एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, एक प्रोसेस ने दूसरी प्रोसेस को क्रिएट किया, उसने नेक्स्ट रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरी ने तीसरी को, तो न्यू प्रोसेस क्रिएट होती रहेंगी, रिसोर्स यूटिलाइज होते रहेंगे, तो जब कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो डेडलॉक लग जाता है। तो डेट इज अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी क्या करता है कि अगेन एंड अगेन प्रोसेस क्रिएट होती रहती है और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करी जाती है। दिस अटैक इज वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द सिस्टम अवेलेबल रिसोर्स। अगर रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं होगी तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी वायरसेस आर डिस्कवर्ड। हमने कितने टाइप के वायरस डिस्कस किए, बट ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने टाइप के वायरस है। देखिए कहते हैं मोर देन 1 लाख वायरस एग्जिस्ट टिल 2011 तक, कहते कि 1 लाख से ज्यादा इन्होंने डिस्कवर किए हैं, लेकिन हर रोज एक नया वायरस बनता है, तो इसलिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसे अपडेट करते हैं कि लेटेस्ट वायरस का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, उनकी डेफिनेशन को डाउनलोड कर सके और उन्हें रिमूव कर सके। बट हाउ मेनी वायरस स्प्रेड इन नेटवर्क। मोस्ट ऑफ द वायरस स्प्रेड ऑन योर नेटवर्क आर डिलीवर्ड थ्रू द अटैचमेंट। कहते हैं नेटवर्क में वायरस आता कैसे, जैसे हमने मेल कर दी, हम एक दूसरे को मेल करते हैं, अटैचमेंट होती है उसमें फाइल की, जैसे हम फाइल को डाउनलोड करते हैं साथ में वायरस भी डाउनलोड हो जाता है तो हमारे सिस्टम में आ जाता है। दीज अटैचमेंट आर सेंट वाया ईमेल मोस्ट ऑफन फ्रॉम पीपल यू नो हु आर अनअवेयर, जैसे लोगों को पता नहीं लगता, तो काफी वायरस हमारी स्पैम मेल में भी आ जाते हैं, और काफी टाइम एडवर्टीजमेंट पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने गूगल ओपन किया या याहू गूगल ओपन किया, वहां पे एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया तो उसमें वायरस छुपा होता है, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, तो इस तरह हमारे नेटवर्क में वायरस क्या करता है, एंटर करता है।
अब पैच क्या है, देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि हर टाइप के वायरस को डिस्कस किया जाए। अब पैच इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे हम अपने कंप्यूटर को अपडेट करते हैं कि लेटेस्ट वर्जन किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट करना हो, ठीक है, पैच क्या होता है, एक उसका लाइसेंस होता है। जैसे हम कहते हैं कि इसका पैच ढूंढ लेते हैं कि फ्री में इंस्टॉल हो जाए। सपोर्टिंग डाटा टू फिक्स और इम्प्रूव, दिस इंक्लूड फिक्सिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एंड बग्स, सच पैचेस यूजली कॉल्ड बग और फिक्सेस। तो इसके साथ भी हमारा वायरसेस एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट वायरस है कंपेनियन वायरस। देखिए कंपेनियन वायरस क्या होता है, कंपेनियन वायरस इज ए कंप्यूटर वायरस दैट स्टोर इटसेल्फ, वो अपने आप में ही स्टोर हो जाता है इन ए फाइल दैट इज नेम्ड सिमिलर टू अनदर वायरस। देखिए कंपेनियन का मीनिंग होता है कि एक वायरस की फाइल होती है तो वो डिफरेंट नेम की फाइल जनरेट कर देता है, वायरस सेम होता है लेकिन नाम डिफरेंट कर देता है। तो कंपेनियन वायरस इज ए कंप्यूटर वायरस दैट स्टोर इटसेल्फ इन ए फाइल दैट इज नेम्ड सिमिलर टू अनदर प्रोग्राम फाइल। देखिए सेम नाम की अनदर प्रोग्राम में स्टोर कर लेता है एंड दैट इज कॉमनली एग्जीक्यूटेड। व्हेन दैट फाइल इज एग्जीक्यूटेड द वायरस विल इन्फेक्ट द कंप्यूटर और परफॉर्म मलिशियस स्टेप। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगी फाइल तो वो अपना हार्मफुल एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो याद रखने की क्या बात है कि कंपेनियन वायरस वो वायरस होता है जो अपने आप में स्टोर कर देता है दैट इज नेम्ड सिमिलर टू अनदर प्रोग्राम, तो उसी नाम का एक डिफरेंट प्रोग्राम में स्टोर कर लेता है, दैट इज कंपेनियन वायरस। एडवेयर, देखिए एडवेयर से नाम से ही पता लग रहा है, एडवेयर इज ए फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज सपोर्टेड बाय एडवर्टीजमेंट। देखिए कितनी भी एडवर्टीजमेंट वेब पेज के ऊपर आ रही होती है, जैसे हम कितने सारे वेब पेज ओपन करते हैं, गूगल करते हैं, फेसबुक करते हैं, याहू करते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट के साथ ही वायरस अटैच होते हैं। जैसे हम एडवर्टीजमेंट क्लिक करते हैं वो वायरसेस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। कॉमन एडवेयर प्रोग्राम आर टूल बार, जैसे हमारी टूल बार ऊपर आ जाती होती है तो वो टूल बार में भी क्या होता है, वायरस होता है। डेट सीट ऑन योर डेस्कटॉप और वर्क इन कंजंक्शन विद योर वेब ब्राउजर, जैसे हम अपने वेब ब्राउजर को अपडेट कर रहे होते हैं तो वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है साथ में। दे इंक्लूड फीचर लाइक एडवांस सर्चिंग वेब और हार्ड ड्राइव। हमें तो लगता है कि हम एक टूल बार इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारे वेब ब्राउजर में साथ इंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि साथ में वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम में लेटेस्ट एंटीवायरस होना चाहिए सो डैट वो वायरस को डिटेक्ट कर सके और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन ना होने दे। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। देखिए स्पाईवेयर भी एक क्या है, वायरस है, इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। देखिए जब स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव एंड वेबसाइट यू विजिट। जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और यू की स्ट्रोक हम कुछ भी टाइप करते हैं, स्पाईवेयर प्रोग्राम कैन देन सेंड द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट टू अनदर कंप्यूटर। देखिए स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है, अगर हमारे कंप्यूटर में वो स्टोर हो जाए तो जैसे हैकर क्या करते हैं कि किसी तरह हमारे सिस्टम में वो वायरस स्टोर करवा देते हैं वाया मेल या किसी भी फाइल सेंड करके या फेसबुक के जरिए या किसी के जरिए, अगर वो फाइल हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है तो वो उस यूजर की इंफॉर्मेशन हैकर को सेंड करना शुरू कर देता है। तो स्पाईवेयर एक उस टाइप का एक क्या है, वायरस है जो कि हैकर को किसी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन खुफिया सेंड करता है। तो बी केयरफुल व्हाट एडवेयर यू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। तो जब भी आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो आपको चेक करना चाहिए कि यार क्या इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि यूजर को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो नेक्स्ट करते रहते हैं और उनके सिस्टम में स्पाईवेयर वायरस इंस्टॉल हो जाता है। तो जैसे हम एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हम उसकी प्राइवेसी एग्रीमेंट को रीड नहीं करते, हम जस्ट नेक्स्ट करते हैं, साथ में वायरस की इंस्टॉल होने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉपअप विंडो। देखिए पॉपअप विंडो जैसे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है ना हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमें नहीं पता लगता है कि क्यों आ रहा है, लेकिन पॉपअप विंडो का मीनिंग होता है उसके साथ में एक वायरस होता है। पॉपअप विंडो इज ए टाइप ऑफ विंडो दैट ओपन विदाउट द यूजर सिलेक्टिंग न्यू विंडो। कई बार अपने आप ही हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एक विंडो
हमारे सामने आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हैकर्स यूज कर रहे होते हैं, उनमें वायरस छिपे होते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो पॉपअप विंडो भी एक वायरस की तरह काम करता है, सो डैट हैकर यूजर की इंफॉर्मेशन हैक कर सके। नेक्स्ट फाइल वायरस। देखिए एक फाइल वायरस भी होता है। दिस टाइप ऑफ वायरस नॉर्मली इन्फेक्ट प्रोग्राम सच एस ईएक्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, या डॉट कॉम जो बैच फाइल्स होती है, ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं इस टाइप की फाइल। तो इसलिए इस वायरस का नाम रखा है फाइल वायरस। वंस दिस वायरस स्टे इन मेमोरी इट ट्राइज टू इन्फेक्ट ऑल प्रोग्राम डैट लोड इन टू मेन मेमोरी। अगर इनके साथ ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जितने भी मेन मेमोरी में प्रोग्राम लोड होंगे उसको इन्फेक्ट करना ये शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्रो वायरस लास्ट टाइम भी आईटी ऑफिसर में आया था। देखिए जो मैक्रो वायरस होते हैं, दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस, इस टाइप की जो एप्लीकेशन होती है ना उनके साथ उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारी पावर पॉइंट की फाइल ओपन नहीं होती, वर्ड की फाइल ओपन नहीं होती, एक्सेल की नहीं होती, हमें लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, बट वो उसमें मैक्रो वायरस आ जाता है जो कि उसे ओपन नहीं करने देता, उसे करप्ट करना शुरू कर देता है। तो वंस इन्फेक्टेड रिपेयरिंग जो दिस फाइल इज वेरी मच डिफिकल्ट। अगर एक बार ये आ गया तो उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि एमएस ऑफिस को अनइंस्टॉल करो और फिर से इंस्टॉल किया जाए। नेक्स्ट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल जिसे हम MBR भी बोल देते हैं और मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ये क्या मेमोरी में रिजाइड करते हैं एंड कॉपी इटसेल्फ टू द फर्स्ट सेक्टर ऑफ स्टोरेज। जब MBR या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस आ जाता है हमारे सिस्टम में, जो हमारी हार्ड डिस्क का क्या होता है फर्स्ट सेक्टर होता है, वहां पे ये स्टोर हो जाता है। अगर ये वहां पे स्टोर हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, जैसे हम स्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट हो जाता है। ऐसे बहुत वाइज यूजर को प्रॉब्लम आती है कि सिस्टम में वायरस आ गया, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो रीस्टार्ट हो जाता है, अगेन 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 रीस्टार्ट होना शुरू कर जाता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे सेक्टर हमारी हार्ड डिस्क की फर्स्ट सेक्टर होता है मेमोरी का, वो वहां पे रिजाइड कर देता है। तो फर्स्ट सेक्टर रीड नहीं हो पाता, इसलिए हमारा सिस्टम अगेन एंड अगेन रीबूट या स्टार्ट होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। देखिए बूट सेक्टर और मास्टर बूट रिकॉर्ड ये सेम ही चीज है, क्योंकि ये फर्स्ट बूट सेक्टर पे रिजाइड करता है। अगर बूट सेक्टर ही रीड नहीं होगा जो कि हमारा फर्स्ट सेक्टर होता है, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। अब ये थे कुछ वायरसेस। नाउ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं वायरसेस के ऊपर, सो डैट आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। ए डैश इज ए प्रोग्राम डैट सीक्रेटली टेक्स ओवर अनदर इंटरनेट अटैच कंप्यूटर एंड डैट यूजेस कंप्यूटर टू लॉन्च अटैक। कैसे? वो कौन सा प्रोग्राम जो सीक्रेटली ई टेक्स ओवर अनदर इंटरनेट अटैचमेंट, वो सीक्रेटली हमें पता नहीं लगता कि दूसरी इंटरनेट की अटैचमेंट को क्या कर लेता है, अपने साथ कंसीडर कर लेता है और कंप्यूटर टू लॉन्च अटैक और अटैक करना शुरू कर देता है। हमें पता ही है जो सीक्रेटली काम करता है वो कौन सा वायरस होता है, ज़ॉम्बी, जो सीक्रेटली हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और हैकर को हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा ज़ॉम्बी एक ऐसा वायरस है जो सीक्रेटली हमारे कंप्यूटर में आता है और हमारी इंफॉर्मेशन हैकर को सेंड करना शुरू कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट मलिशियस प्रोग्राम डेट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। देखिए हमने डिस्कस किया था ज़ॉम्बी, एक ज़ॉम्बी था, एक ट्रैपडोर थे, ये कौन से वायरस थे? ये इंडिपेंडेंट थे। हम फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं स्लाइड। ये देखिए इंडिपेंडेंट कौन कौन से वायरस थे हमारे, वॉर्म एंड ज़ॉम्बी एंड वायरस, ये तीन टाइप के ऐसे वायरस थे जो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। तो याद रखेगा, तो इस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा वायरस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट मलिशियस। देखिए एक वॉर्म था, एक ज़ॉम्बी था, तो ज़ॉम्बी तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। That need not any host program, जिसे host program की requirement नहीं है। देखिए virus भी एक independent है लेकिन इसे host की requirement पड़ती है, तो right option क्या होगी, worm, जो कि independent है और इसे किसी भी host program की requirement नहीं है। The dash is a code that recognizes some special sequence of input। देखिए याद रखिएगा ऐसा code जो एक special sequence of input को याद रखे,
or triggered by being run from certain user ID or by unlikely sequence of input. तो याद रखिएगा ऐसा वायरस जो कि स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ट्रैपडोर। याद रखिएगा स्पेशल सीक्वेंस इनपुट को कौन रिकॉग्नाइज करता है, वायरस ट्रैपडोर, जिसे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। इसे रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट करें। नेक्स्ट, the dash is code embedded in some legitimate program that is set to explode when certain condition are met. देखिए certain condition are met, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब predefined condition met होंगी, जब predefined condition या किसी particular day के ऊपर, किसी particular time के ऊपर, तो वो कौन सा virus effect करता है, वो करता है logic bomb. So right option is option C. Move to next question. Which of the following malicious program do not replicate automatically? देखिए वो कौन सा वायरस है जो अपने आप रेप्लीकेट नहीं होता, यूजर जब एग्जीक्यूट करेगा तभी होता है। हमें पता है वो हमारा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपने आप रेप्लीकेट नहीं होता, जब यूजर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करता है तो वो रेप्लीकेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये यूजर के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में exe फाइल में आ गया, तो जैसे ही यूजर उसे इंस्टॉल करेगा और तब ये उसकी एक कॉपी जनरेट होगी ट्रोजन हॉर्स की, अपने आप नहीं होगी, यूजर के एक्शन के साथ होगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ए डैश इज ए प्रोग्राम दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम। देखिए कहते वो कौन सा प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट भी करता है बाय मॉडिफाइंग देम, अगर कोई प्रोग्राम उसे चेंजेस करे। मॉडिफाई का मीनिंग क्या होता है, कुछ चेंजेस करना। द मॉडिफिकेशन इंक्लूड ए कॉपी ऑफ वायरस प्रोग्राम विच कैन गो टू इन्फेक्ट अनदर प्रोग्राम। तो वो कौन सा हमारा वायरस होता है, ये वायरस होता है देखिए ऑटोमेटिकली एक अपनी क्या करता है, कॉपी जनरेट करता है। हमने पहले भी किया था कि जो अपनी कॉपी जनरेट करता है, रेप्लीकेट होता है, वो वायरस भी होता है, वॉर्म भी होता है, जॉम्बी भी होता है, लेकिन वायरस को होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, दैट कैन इन्फेक्ट अनदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम एंड मॉडिफिकेशन इंक्लूड ए कॉपी ऑफ वायरस प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, तो ये कौन सा वायरस करता है, हमारा वायरस एक अपनी आप की कॉपी जनरेट करता रहता है और दूसरी फाइल को हार्मफुल या करप्ट करता रहता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल प्रोग्राम डैट कैन प्रोवाइड एनिमेशन ऑन वेब पेज आर कोड। देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते वो कौन सा प्रोग्राम है जो एनिमेशन होता है वेब पेज के ऊपर। तो वो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन एप्लेट। देखिए एप्लेट क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो जावा में लिखा जाता है। एप्लेट वेब पेज के साथ इंटीग्रेट होता है जो कि एनिमेट होता है। तो स्मॉल प्रोग्राम डैट कैन प्रोवाइड एनिमेशन ऑफ वेब पेज, डैट इज एप्लेट। इट डैश इज ए फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइन। देखिए एक्सप्लिसिटली होता है यूजर ने खुद जानबूझ के बनाया हो, जब यूजर खुद बनाता है उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। इज ए फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इट सेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा वायरस जो स्पेशली ऐसा डिजाइन किया हो कि जिसे एंटीवायरस भी डिटेक्ट ना कर सके क्योंकि वो हाइड हो जाता है। तो इस टाइप के वायरस को हम क्या बोलते हैं, स्टील्ड वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायरस क्वेश्चन है कि स्टील्ड वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को हाइड कर लेता है। ये हमने एक्सप्लिसिटली यूजर ने बनाया होता है, हैकर्स ने बनाया होता है इन्हें, सो डैट एंटीवायरस भी इसे डिटेक्ट ना कर सके। याद रखेगा इस वायरस को हम बोलते हैं स्टील्ड वायरस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश क्रिएट कॉपीज ड्यूरिंग रेप्लीकेशन। कहते अपनी कॉपीज क्रिएट करता है जब वो ड्यूरिंग रेप्लीकेशन, डेट आर फंक्शनल इक्विवेलेंट बट हैव डिस्टेंटली डिफरेंट बिट पैटर्न। कॉपीज जनरेट कर रहा है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बट उनका बिट पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कौन सा वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक। देखिए पॉलीमॉर्फिक एक ऐसा वायरस होता है जो अपनी एक कॉपी जनरेट करता है पर जैसे ही वो जनरेट करेगा उसका बिट पैटर्न डिफरेंट होगा। तो उस टाइप के वायरस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश अटैच इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। देखिए वो कौन सा वायरस है जो अपने आप को
अटैच करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था एंड रेप्लीकेट व्हेन द इन्फेक्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय फाइंडिंग अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इस टाइप के वायरस को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक वायरस। देखिए पैरासिटिक वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को क्या करता है, अटैच करता है इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऐसा वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अपने आप को अटैच करता है और फिर रेप्लीकेट होता है उसको बोलते हैं पैरासिटिक वायरस, राइट। तो याद रखिएगा इस टाइप के वायरस को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक वायरस। इससे पहले हमने कौन सा किया था, पॉलीमॉर्फिक वायरस। याद रखिएगा उसमें क्या था, पॉलीमॉर्फिक में क्या था कि वो अपनी कॉपी क्रिएट करता है एंड दैट फंक्शनल इक्विवेलेंट बट हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंट पैटर्न। जिसमें इसमें बिट पैटर्न डिफरेंट था तो पॉलीमॉर्फिक होता है। अगर वो अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करे और फिर रेप्लीकेट हो तो वो कौन सा वायरस होता है, पैरासिटिक वायरस। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू समवन थ्रू द इंटरनेट। देखिए ये हैकर के थ्रू प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अगर यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन हैकर को सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वो किसे, किस टाइप का वायरस होता है, वो होता है हमारा स्पाई बोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाई बोट एक ऐसा वायरस है जो अगर किसी यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर को सेंड करना थ्रू इंटरनेट शुरू कर देता है। तो इस टाइप के वायरस को हम क्या बोलते हैं, स्पाई बोट। तो ये थी हमारी कलेक्शन वायरसेस के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ स्प्रेड होता है वो कौन सा वायरस होता है, मैक्रो वायरस, जैसे MS Word, Excel, पावर पॉइंट। तो इस टाइप के वायरस को क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वायरसेस के ऊपर, नेटवर्क वायरसेस के ऊपर। क्योंकि IBPS IT ऑफिसर में एक या दो क्वेश्चन नेटवर्क वायरस के ऊपर पूछे ही जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि जितने टाइप के वायरसेस हैं हमने कवर कर सके, सो डैट आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आप अपने क्वेश्चंस, अपनी फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने का आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी भी पूछ सकते हैं। एंड आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, www.skillsexplorer.in। हम ऑनलाइन टेस्ट अपडेट करने जा रहे हैं एंड आप हमारी वहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। वन मोर थिंग, प्लीज 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज कमेंट डाउन एनी, इफ यू हैव एनी डाउट, योर रिक्वायरमेंट, योर डिमांड, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।